नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर जनपद हाथरस के सिकंदरा राव से, जहां मोहल्ला बारह सैनी बगिया में बारिश से जलभराव हो गया। जहां बरसात के मौसम में थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव हो जाता है, जो कि लोगों के घरों के साथ वहां के स्थानीय मंदिर की मूर्तियों तक पहुंच जाता है। पूर्व में भी यहां के स्थानीय लोग कई बार अधिकारी व पोर्टल के माध्यम से शासन को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं और समस्या से निजात दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पिछले 5 वर्षों से सांसद और विधायक दोनों ने जनप्रतिनिधियों में से किसी के द्वारा भी ये समस्या का समाधान कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कस्बे में हो रही बारिश से मोहल्ले में भारी जलभराव हो गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने सांसद व भाजपा विधायक का पोस्टरों के साथ जमकर नारेबाजी की और समस्या के समाधान की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन प्रताप सिंह। इस वक्त सांसद और विधायक का पोस्टर लगा के जिस तरीके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा ये है कि अपने बगिया वाले सैनी जो पिछले 7 वर्षों से जलभराव का एक ज्वलनशील मुद्दा झेल रही है और यहाँ ज़्यादातर सभी घरों में पानी आ जाता है बरसात के अंदर, जहाँ तक कि हमारे मंदिर में जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति वो तक उसमें समा जाती है। हमने पूर्व में CM पोर्टल पर भी शिकायत करी थी, सांसद जी को भी ज्ञापन के माध्यम से व विधायक जी को भी ज्ञापन के माध्यम से व उप जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन विगत 4 वर्षों में हमारी समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हुआ है। स्थिति जस की तस है। मात्र 10 या 15 मिनट की बारिश में आप खुद देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत।